कच्चो पक्को खाना खा गए सुख और सनी जन। पंगत में केहू तो एक ही मोह भाव ना हो तो और केहू अन के दस दस बीस बीस मोह हते मन खेरा बा बीस बीस मोहन के गए थे बरात और केहू अन की हड्डी पसली ले अकेले दिखा रहे कछुन के दस दस हजार मोह परस विवाद बड़े बेचैन बड़े आपद में के भैया के पतले परस के परसे के नहीं परस यही से गई के गोरा बोली अब का देवे अरे गोरा बोली अब का देवे कछु बचो ना भीतर गोरा बोली अब का देवे कछु बचो ना भीतर और तनक तनक से जे लड़का है हो सुखरो सनी चाचा भैया जैसे हते जो और तनक तनक से जो कया है हाथ हमारे नहीं तुम्हारे होते हैं हम आपको ना बेहाव भाव है जी कहाँ से होगा यार जानो तो कछु जादू है मुझे के तनक तनक से जे लड़का है बिल्कुल गाट गठूला तनक तनक से जे लड़का है बिल्कुल गाट गठूला बजवा रहे भोला द्वारे पे रमतूला बजवा रहे भोला द्वारे पे रमतूला बजवा रहे भोला द्वारे पे रमतूला सब जने निपट जाए फिर सबसे बाद में खवासन बोजी रो साथ के मुंह तो नेक दा वही नहीं है अब जी बैठी है वही खवासन बोजी जीरो सा गई के नायन बोली दूल्हे राजा अर दे दो नेक हमारो ले आओ चली जाओ दूल्हा बैठो नायन बोली दूल्हे राजा दे दो नेक हमारो अरे नायन बोली दूल्हे राजा दे दो नेक हमारो नायन बोली दूल्हे राजा दे दो नेक हमारो और झोली में से अरे झोली में से फिर दूल्हा ने करिया एक निकालो झोली में अर कवि नादान कहे नायन के हो अर कवि नादान कहे नायन के तुरंत हाथ में फूला पहले तो वे देख मोटो तो जब को हाथ में आओ जो मोटो सांप के कवि नादान कहे नायन के तुरंत हाथ में फूला बजवा रहे भोला